दोस्तों, आज मैं आपके लेके आऊँ महिंद्रा यूवो टेक प्लस 575 DI जो कि रहने वाला है डुअल क्लच फोर व्हील ड्राइव में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको देखते हैं फुल डिटेल रिव्यू वीडियो, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए अब बात करते हैं महिंद्रा यूवो 575 DI के इंजन के बारे में। ये रहा महिंद्रा 575 टेक प्लस फोर व्हील ड्राइव का इंजन जो कि 47 HP के साथ में आता है। इसके बैकअप टॉर्क की बात करूं तो 23 से 25% इसका बैकअप टॉर्क है जो कि 2000 RPM पे जनरेट करता है। अब बात कर लो इसके सिलेंडर की, तो ये हमें 4 सिलेंडर में मिल जाता है जो कि इसको एक बेहतरीन पावर जनरेट करने में इसकी काफी ज्यादा मदद करता है। साथ ही में इसमें हमें वाटर सेपरेटेड कूलेंट रेडिएटर मिल जाता है। महिंद्रा यूवो में हमें साइड शिफ्ट कांस्टेंट मेज गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि रहने वाला 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स में और HML यानी हाई मीडियम लो में। जैसा कि वीडियो में आपको मैंने बताया था HML हाई मीडियम लो का, तो ये उसका गियर बॉक्स है। साथ ही में उसके नीचे में यहाँ पे मिल जाता है फोर व्हील ड्राइव का जो कि टू व्हील प्लस फोर व्हील में कन्वर्ट कर देता है। बात करें अपन इसके फ्यूल टैंक की, तो इसमें हमें 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि 15 से 20 घंटे तक सक्षम है एक गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। अब यदि मैं बात करता हूँ राइट साइड की, तो इसमें हमें हाई गियर मिल जाते हैं जो कि इस गाड़ी को पावर देने में इसके काफी हद तक मदद करते हैं। अब यदि पीछे साइड की बात करूं मैं, इस साइड में हमें लिफ्ट कंट्रोलर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें हैंडब्रेक का ऑप्शन दिया जाता है जो कि महिंद्रा ने एक यूनिक डिजाइन में इसे प्लेस किया हुआ है। चलिए ये तो बात हो गई इसके इंजन प्लस गियर बॉक्स की, अब बात कर लेते हैं इसकी बॉडी आउटर साइड की एंड बैक साइड की। महिंद्रा यूवो की ये रही डिजाइन, साइड में साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल पूरी, जो कि एक यूनिक डिजाइन प्रोवाइड किया है महिंद्रा ने। अब यदि बात कर लूं मैं इसके टायर साइज की, यदि मैं इसके फ्रंट साइड के टायर की बात करूं तो मैं रोटेट करके दिखा दूं आपको, 9.5-20 का मिल जाता है। अब यदि बात करूं इसके बैक साइड के टायर की, तो बैक साइड का टायर हमें 14.9-28 का मिल जाता है। यह महिंद्रा यूवो का साइड लुक जो कि यहाँ पे 6 ईयर वारंटी की प्लेसमेंट दी गई है, साथ में डुअल क्लच फोर व्हील ड्राइव की स्टिकरिंग भी दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पीटीओ पावर की जो कि आता है 43.1 HP का, जो कि इस एचपी की कैटेगरी के ट्रैक्टरों में सबसे ज्यादा मिल जाती है। उसके बाद में मैं बात कर, ये गाड़ी डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आती है जिसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 1700 kg जो कि इस श्रेणी की गाड़ियों में सबसे ज्यादा मिल जाती है। अब बात करें इसके बैक साइड की, तो यहाँ पे हमें हिच देखने को मिल जाता है। ये रहा इसका पीटीओ कवर हेडर, इसका पीटीओ जो कि अभी कवर अप है यहाँ पे मिल जाता है हमें टॉपलिंग। साथ ही में यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि रात के समय काफी हद तक हेल्पफुल रहता है। उसके साथ में जैसे ही आप बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ब्रेक प्लस इंडिकेटर के ऑप्शंस मिलते हैं। इधर साइड में नाइट विजन के लिए एक हाई ब्रेक लाइट मिल जाता है, साथ ही में ब्रेक लाइट प्लस इंडिकेटर मिल जाता है। यदि मैं इस ट्रैक्टर के रोटावेटर की बात करूं, तो इसमें 7 से 8 फीट तक के का रोटावेटर हम आसानी से चला सकते हैं जो कि 1 घंटे में 4.5 से 5 लीटर अधिकतम तेल खपत करता है जो कि बाकी ट्रैक्टरों के मुताबिक इसको एक अच्छे माइलेजदार ट्रैक्टर बना देता है। इस बार पहले की अपेक्षा अपनी बैटरियों को थोड़ा बड़ा कर लिया है। इसमें मिल जाती है हमें 90 AH या फिर बोले तो 90 एम्पियर की बैटरी कर दी है जिसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक इंक्रीज कर दी गई है, जो कि मिल जाती है हमें एक्साइट की बैटरी। इसमें महिंद्रा यूवो में हमें डबल पावर स्टीयरिंग मिल जाता है जिसकी परफॉर्मेंस लाजवाब है। मैं इसे अभी ऑन करके दिखाता हूँ आपको। बात करें इसके सर्विस की, तो इसकी हर एक सर्विस 400 घंटे में होती है जो कि बाकी गाड़ियों के मुताबिक 150 घंटे ज्यादा है। लगभग दूसरी गाड़ियों से दुगनी देर में इसकी सर्विस होती है, यानी 400 घंटे और बाकी गाड़ियों से 150 घंटे ज्यादा इसमें। साथ ही में महिंद्रा इसमें हमें 6 साल की इंजन प्लस गियर बॉक्स प्लस हाइड्रोलिक की वारंटी देता है जो कि पीस टू पीस रिप्लेसमेंट करके देती है महिंद्रा। 6000 घंटे तक इसमें हमें घर पहुंच सेवा सर्विस देती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इसमें कोई भी सर्विस इसमें कंज्यूमर या फिर कस्टमर का कोई भी चार्जेस ऐड नहीं होता है। तो भाई महिंद्रा कंपनी की सबसे बेस्ट बात यह है, महिंद्रा में जितने भी ट्रैक्टर है सब कोई टू व्हील प्लस फोर व्हील ड्राइव में अवेलेबल हो जाते हैं। ये महिंद्रा की एक बहुत बड़ी खासियत है। अब जब बात हो रही है इसके सर्विस की, तो बात कर लेते हैं इसके सर्विस से रिलेटेड पार्ट्स।
जो कि महिंद्रा एक विश्वसनीय कंपनी है। इसके हर छोटे गांव या फिर बड़े गांव कहीं पर भी इसके हर कोई पार्ट छोटा हो या बड़ा हो हर कहीं मिल जाता, जो कि इस गाड़ी को ज्यादा टाइम रखने में एक बेहतर सुविधा उपलब्ध करता है। साथ ही में कंज्यूमर को कोई भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। हर छोटे बड़े गांव में इसके छोटे से छोटे बड़े से बड़े पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति ट्रैक्टर्स बालाघाट का, जिन्होंने आज हमें महिंद्रा यूओ का रिव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त करवाया ने दिया। शक्ति ट्रैक्टर्स की डीलरशिप गुरु नानक पेट्रोल पंप के सामने गोंदिया रोड में बालाघाट में देखने को मिल जाती है।